दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मनीष सिसोदिया शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम कर रहे थे। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार के 2024 के चुनाव की व्यवस्था की जा रही है। जो सेंट्रल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांच चल रही है, जितनी भी संस्थाएँ चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही है जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है।